नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में आप सभी का। दोस्तों आज हम जानेंगे कि शादी में गाड़ी पर लगने वाले पोस्टर जो होते हैं वो पेज मेकर में किस प्रकार बनाए जाते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अपने पेज मेकर में और देखते हैं कि ये जो पोस्टर है जिसमें लड़का लड़की का नाम और शादी का डेट होता है उसे किस प्रकार बनाते हैं। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने पेज मेकर में और किस तरह से जो है, थोड़ा हम जूम कर लेते हैं, इस तरह से आप पोस्टर जो गाड़ी के आगे पीछे लगाए जाते हैं, जो शादी में गाड़ियां जाती है उसे किस प्रकार हम बनाते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं एक बार कि इसे हम किस प्रकार बनाएंगे। देखिए पहले हम इसे A4 में इसका साइज ले लेंगे। तो चलिए हम इसका एक साइज यहाँ से ले लेते हैं और यहाँ से लेकर हम यहाँ तक एक बाउंड्री खींच देंगे। देखिए ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बाउंड्री जो A4 साइज है हम उसी साइज में बना रहे हैं और उसमें चारों तरफ आप लोगों को ध्यान रहे कि स्पेस होना चाहिए। तो अब हमें यहाँ पे जो है वो लड़का का नाम लिखना होता है। तो चलिए हम उसका एक नाम लिख देते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए हम लिख देते हैं यहाँ पे पंकज, ये जो है इंग्लिश में आ रहा है। हम इसका जो है वो फॉन्ट चेंज कर देंगे। तो देखिए फॉन्ट चेंज करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे, आप लोगों को हम जूम करके दिखा देते हैं। ये है हमारा फॉन्ट चेंज करने का और हम इसे जब नीचे करेंगे तो हमारा जो हिंदी का फॉन्ट होता है कुर्ती देव उसमें आ जाएगा। तो देखिए जैसा कि हमें ले लेते हैं 701 फॉन्ट और हम यहाँ पे लिख देते हैं पंकज। हम थोड़ा इसे और जूम कर लेंगे, ये ज्यादा जितना जूम रहेगा उतना बेहतर रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम ले लिए और इसे हम यहाँ पे कर देंगे। और देखिए अब हमें जो शादी विवाह या शुभ विवाह लिखना होता है तो हम आपके फॉर्मेट में जो होगा उसी को उठाकर यहाँ पे लगा देंगे। देखिए जैसा कि इसको हम लगा दिए और इसको हम थोड़ा ब्लैक कलर में ले लेते हैं, ये ब्लैक कलर में हो गया। अब हम यहाँ पे डेट लिख देंगे, जो शादी का डेट होता है उसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे हम लिख देते हैं। ये फॉर्मेट अगर आप लोगों के पास हो तो बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, केवल इसे आप डेट वगैरह चेंज कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं 15/5/18। देखिए कितनी आसानी से बन गया। अब चलिए अब हम इसी को एक बार कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम लड़की का नाम लिख देते हैं। जो लड़की का नाम है पल्लवी, तो हम इसे लिख दिए, इस तरह से हम लिख देंगे। और बीच में एक हम जो है संग लिख देंगे, इनके संग और इसे हम थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं, नाम की अपेक्षा जो है ये स्मॉल में होना चाहिए। देखिए ये आ चुका है जो संग है हमारा, यहाँ पे लग चुका है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें आप घोड़े वगैरह का या एक गाड़ी वगैरह का भी यहाँ पे आप लोग इमेज डाल सकते हैं। देखिए ये जैसा कि इमेज हो गया, इसे भी हम ब्लैक में कर लेते हैं जो है, इसे हम
ब्लैक में कर लेते हैं। तो देखिए जैसा कि यहाँ पे हमारा एक जो है ये तैयार हो चुका है। तो देखिए हमारा जो कि ये पोस्टर है वो लगभग तैयार हो चुका है। अब हमें इसमें और क्या करना है, इसमें जो एक गांव है, देखिए यहाँ पे हम लाए इसको, हम इस तरह से कर देंगे। यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक जाना है वो आपको नीचे लिख देना पड़ेगा, जैसा कि यहाँ से लिख दिया गया है। तो इस तरह से आप एक पोस्टर जो गाड़ी पे लगने वाला है बेहतर ढंग से तैयार कर सकते हैं। इसको देखिए आप कितनी बेहतर ढंग से ये तैयार हो चुका है हमारा, जो हो चुका है। अब देखिए दोस्तों, अगर आप लोगों को इस पे ट्रेस निकालना है यानी स्क्रीन पे छापना है इसको, तो आप ब्लैक कलर में निकाल सकते हैं। लेकिन अब हम अक्सर ऐसा करते हैं कि इसको कलर में करके, जैसे कि देखिए ये नाम को हम कलर में कर लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए ब्लू कलर कर दिए, यहाँ पे इसे ये साइन कलर कर दिए, ये लड़की का जो नाम है इसे भी हम हरे कलर में कर दिए। इस तरह से हम कलर में करके इसे हम कलर प्रिंटर से भी निकाल सकते हैं आसानी के साथ, और A4 कागज को हम डालकर उसमें और आसानी के साथ निकाल सकते हैं, जिसमें हमें स्क्रीन पे जाने की जरूरत नहीं होती है। स्क्रीन प्रिंट पे थोड़ा वो जो प्रिंटर से निकाला जाता है कॉस्टली होता है, और स्क्रीन प्रिंट का थोड़ा हमें कॉस्ट में कम पड़ता है। तो इस तरह से हम, अगर आप लोगों को डायरेक्ट प्रिंटर से निकालना है तो आप इसी पे आप कलर करके इसे यहाँ पे आप सभी को इसको कलर कर देंगे और इसे आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको अगर स्क्रीन से निकालना है एक्सपोज करके, तो आप लोगों को ब्लैक कलर में ही रखना पड़ेगा। अगर प्रिंटर से निकालना है तो आप लोग इसी तरह से निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो पेज मेकर में है एक गाड़ी का पोस्टर तैयार है। अब चलिए हम आप लोगों को दिखाते हैं कि इसे फोटोशॉप में भी हम बहुत बेहतर ढंग से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये फोटोशॉप में बना हुआ है जो हमारा ये गाड़ी पर लगने वाला पोस्टर है शादी का। अगर ये इस तरह से आप लोग एक बार अगर बना लेंगे तो इसमें देखिए आप केवल नाम इसका चेंज करते रहेंगे। देखिए इसका नाम चेंज हो गया, यहाँ पे आप लोग डेट चेंज कर लेंगे, यहाँ पे लड़की का नाम चेंज कर लेंगे, यहाँ पे जो स्पेस है, जो गांव है या शहर है, सिटी, जहां से जहां वो बारात जाएगा वहां का आप लिख सकते हैं नाम। तो इस तरह से आप ये फोटोशॉप में भी बना सकते हैं अगर आप लोगों के पास इस तरह का। वैसे मैं आप लोगों को ये जो आप दिख रहे हैं फोटोशॉप में, मैं इसे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं आप लोगों को दे देता हूँ, ताकि आप लोगों को ये फॉर्मेट आप लोगों के पास रहेगा तो आप लोग केवल इस तरह से नाम वगैरह सब आप लोग चेंज कर लेंगे, यहाँ से ये लड़की का नाम चेंज कर लेंगे और आप लोग सही ढंग से बना लेंगे। तो चलिए आप लोगों ने जैसा कि देखा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत बेहतर लगा होगा। अब फिर हम मिलेंगे कि अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।